आपको सर्वांगासन और हलासन के बारे में बताएंगे कैसे इसे किया जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले आपको हमने शीर्षासन सिखाया। शीर्षासन यदि हमसे नहीं हो पा रहा तो आप शीर्षासन के विकल्प के रूप में सर्वांगासन कर सकते हैं। वैसे यदि हमें शीर्षासन हो रहा है तो शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों हमें करना चाहिए। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले समतल जमीन को चुनें एवं समतल जमीन के ऊपर कुछ बिछा लें। फिर आप आराम की मुद्रा में शरीर को रिलैक्स करते हुए आराम से लेट जाएं। लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर ऊपर की तरफ उठा लें एवं अपने दोनों हाथों से अपने कमर के नीचे से पकड़ और अपने इस पैर को जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखें। एवं इस मुद्रा में हमें शुरुआत में 25 से 30 सेकंड से शुरुआत करके हमें कम से कम इस प्रक्रिया को 1 से 2 मिनट तक करनी होती है। इस प्रक्रिया को सर्वांगासन कहते हैं। हलासन इसी मुद्रा में अपने हाथों को हथेलियों को जमीन पर हम टिका दें एवं अपने पैरों को नीचे की तरफ झुकाते हुए जमीन को टच कर दें और इस पोजीशन को हलासन कहा जाता है। और इस मुद्रा में हमें 25 सेकंड से शुरू करके कम से कम 1 मिनट तक हमें बनाए रखना है और इस प्रक्रिया को हमें नित्य करना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ पैर करें, आराम से पैर को मोड़ें और आप नीचे बैठें। बच्चों, अब मैं इसका लाभ आपको बताता हूँ। सर्वांगासन और हलासन से लाभ क्या होते हैं। सर्वांगासन करने से हमारे थायराइड ग्रंथियां सक्रिय होती है एवं उनका पोषण सर्वांगासन करता है। हमें थायराइड की कभी भी समस्या नहीं होगी यदि हम सर्वांगासन करते हैं। शुद्ध रक्त को दिल तक पहुंचाने का काम भी हमारा सर्वांगासन करता है, जिससे क्या होता है कि दिल की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं एवं वह सक्रिय रहती हैं। हमारे शरीर में थकान और दुर्बलता सर्वांगासन करने से दूर होती है। हमारे हाथ और कंधों को भी सर्वांगासन करने से मजबूती मिलती है एवं हमारे पीठ संबंधी कोई भी समस्या सर्वांगासन से दूर होती है। अधिक रक्त ये आसन करने से अधिक मात्रा में रक्त हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क का पूर्ण पोषण होता है। सर्वांगासन करने से हमें मोटापा में भी काफ़ी लाभ मिलता है। कब्ज और पाचन, यदि हम सर्वांगासन के साथ साथ हलासन भी कर रहे हैं तो हमें कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं से कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे माता बहनें और स्त्रियों के लिए सर्वांगासन काफ़ी लाभप्रद है। यदि वे नित्य रूप से इसे करेंगे तो उन्हें मासिक धर्म संबंधी कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार।